नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2019 सिटीजन एक्ट के समर्थन में लोक जागरण मंच ने निकाली तिरंगा यात्रा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में लोक जागरण और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शहर के हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रांगण में विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह और कटरा विधायक बावन सिंह, वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर गोंडा के प्रभारी मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह समेत जिले के सभी विधायक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए सदर विधायक श्री प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि सो रहे समाज को जगाकर मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। अभी केंद्र में 4.5 वर्ष भाजपा की सरकार है, जिसमें देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह और बड़े कानून लाने वाले हैं, जो कि जनता के हित में होगा। संबोधन के अंत में ये भी कहा गया कि आजादी मांगने वालों को आजादी जरूर मिलेगी, लेकिन अफजल कसाब की तरह। मीडिया को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को डराने का काम कर रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ देशद्रोही संगठन देश की अखंडता को भंग करने और देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जिनका शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा। मंत्री ने दीपिका पादुकोण का जेएनयू में जाने पर सवाल करते हुए बताया कि उसका परिणाम वो स्वयं सोशल मीडिया पर झेल रही हैं। जनपद गोंडा से देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। नहीं, मैं कह सकता हूँ उसका इंतजार करिए, आप लोगों को न्यूज बहुत मिलेगी। मैंने दीपिका पादुकोण को विरोध कर रही हूँ, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना मानता हूँ, नहीं, दीपिका पादुकोण पर सरकार का अधिकार है, चाहे वो दीपिका पादुकोण भी हो, लेकिन वो एक सेलिब्रिटी है। जी हाँ, जब सेलिब्रिटी कहीं खड़े होते हैं तो उनको हर तथ्यों के साथ जाना चाहिए, और ये एक सोशल मीडिया का युग भी है जो वो ज़्यादा जानती हैं, और जब उनकी मूवी रिलीज होने वाली है और उस समय जाके जेएनयू में जो